प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए कर रही भांति भांति के खेल। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा भारत में नरेंद्र मोदी ने किया शानदार कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के लेन देन पर ईडी को दी जानकारी, आरबीआई ने कहा भारत में विदेशों से आ रहा अवैध पैसा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर 31 मई तक टीडीएस की कम कटौती के लिए नहीं होगी कार्रवाई, आयकर नियमों के अनुसार पैन को आधार से न जोड़ने पर दोगुनी दर से स्रोत कर पर होगी कटौती। रूस पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, डोभाल ने कहा आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं। केन्या में बाढ़ के कारण 38 लोगों की हुई मौत, बाढ़ में अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। हुती सैन्य प्रवक्ता ने कहा हुती विद्रोहियों ने 2 अमेरिकी व 1 इजरायली जहाज पर किया हमला, हुती विद्रोहियों का नवंबर से ही लाल सागर क्षेत्र में जारी था जहाजों पर हमला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में होंगे आमने सामने, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला। अब एक नजर शेयर बाजार पर।